नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी ने बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा कि इस इमारत में जापान भारत की दोस्ती का कनेक्ट है और भविष्य के लिए कई स्कोप भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। हरीश रावत ने बताया सुलह का फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल अब सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगे। इन स्कूलों को अब अपनी सभी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी। राज्य सूचना आयोग ने यह आदेश जारी किया है। बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां रद्द की गई, कई ट्रेनें कुछ के बदले रूट। साउथ अफ्रीका की सड़कों पर हो रहे दंगों के चलते एक इमारत में लगाई आग। आग से बचाने के लिए मां ने अपने बच्चे को इमारत से नीचे फेंका और नीचे खड़े लोग उसे पकड़ते हुए दिखे। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में सामने आए 41,806 नए केस। ट्विटर का बड़ा ऐलान, कंट्रोवर्सी के बीच कंपनी बंद करने जा रही फ्लीट फीचर, एलन मस्क भी हुए परेशान। हवा में मंडरा रही है आतंकी साजिश, एक बार फिर जम्मू एयरबेस के पास दिखा ड्रोन, मचा हड़कंप। चीन एलएसी के बेहद नजदीक अपनी सेना के लिए बना रहा स्थायी ढांचा, भारत की बढ़ सकती है मुश्किलें। प्रेगनेंसी बाइबल लिखकर फंसी करीना कपूर खान, दर्ज हुई शिकायत, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लगे हैं आरोप। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान तलाक के बाद लद्दाख में एक साथ डांस करते दिखे आमिर खान और किरण राव। परिणीति चोपड़ा ने लंदन में लगवाई फाइजर वैक्सीन, यूजर्स बोले देश पर भरोसा नहीं। तालिबान ने मौलवियों से मांगी 15 से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों की लिस्ट, गुलाम बनाने की है तैयारी। राजधानी दिल्ली में अब बिना टीसी के भी होगा बच्चों का प्रवेश, सिसोदिया बोले मना नहीं कर सकते स्कूल। दिल्ली पुलिस ने हबीबुर रहमान पर दर्ज किया केस, पाकिस्तान भेजता था सेना से जुड़ी जानकारियां। सुंदरलाल बहुगुणा को मिले भारत रत्न, अरविंद केजरीवाल बोले मोदी को लिखेंगे पत्र। कल दुबई ओमान जाएंगे बीसीसीआई के अधिकारी, विश्व कप की तैयारियों का लेंगे जायजा। बंगाल में चुनाव के बाद हुए हिंसा की एनएचआरसी ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट, कहा राज्य में कानून का शासन नहीं शासक का कानून। कावड़ यात्रा रोकने को हरिद्वार सील, गंगा जल लेने आए तो दर्ज होगा मुकदमा, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती का प्लान तैयार। केआरके लिखना चाहते हैं सौरभ गांगुली की बायोपिक, कहा कई राज जानता हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।